10 साल की उम्र में उन्होंने विवाह कर लिए और मुर्गा मुर्गी क्या करते होंगे इस तरीके से उन्होंने भारती पिंड की माता सावित्रीबाई फुले की नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फुले दंपत्ति पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अब ये जो चिंगारी है वो काफ़ी बड़ा रूप ले रही है। आपको बता दें कि इस दौरान माली सैन्य समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उन्होंने अपना विरोध जताया है और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। साथ ही इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हमारे माता सावित्रीबाई फुले की जिन्होंने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है और भारत की महिला के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर कदम लड़ाई ली और महिला को आगे बढ़ाया, शिक्षा के प्रचार की। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उनके सामूहिक भाद्र टिप्पणी की जिन्होंने डायरेक्ट कहा कि ज्योतिबा फुले के 13 साल के उम्र में और सावित्री माता सावित्रीबाई फुले की 10 साल की उम्र में उन्होंने विवाह कर लिए और मुर्गा मुर्गी क्या करते होंगे इस तरीके से उन्होंने भारतीय पिंड की माता सावित्रीबाई फुले की जिन्होंने भारत की नारी की आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिए, इसलिए हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल के विरोध में आगे आए हैं और पूरा भारत के लोग भी आगे आ रहे हैं और पूरा भारत की नारी जाति के महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपमान किए हैं। तो हम लोग विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पूरा भारत की नारी जाति से महाराष्ट्र के राज्यपाल ने माफ़ी मांगे और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे। भारतीय जन परिवार के नेता सुधीर मालाकार के नेतृत्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा माली सैन्य समाज के पूर्वज पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले के बाल विवाह पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में महाराष्ट्र के राज्यपाल का पुतला जलाकर विरोध कर रहे हैं। अब इनकी मांग है कि अभद्र टिप्पणी करने वालों को पद से हटाया जाए वरना पार्टी पूरे बिहार में भाजपा के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। तो देखा आपने किस कदर इन लोगों के अंदर आक्रोश व्याप्त है, ये लगातार महाराष्ट्र के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चरणबद्ध तरीके से भाजपा के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और तब तक के लिए मैं दे इजाजत, नमस्कार।